हेलो एवरीवन, हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपका बेस्ड है फोर्सेस ऑन सबमर्ज बॉडीज़। तो न्यूमेरिकल आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, अ काइट 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर। इसकी जो डायमेंशंस दिए हैं वो दिया हुआ है, तो बेसिकली एरिया यहाँ से निकल आएगा 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ए इक्वल्स हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर का मतलब 0.6 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 0.6 मीटर। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट एरिया भी लिख सकते हैं यहाँ पर, 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, तो ये आ गया 0.1 इक्वल्स आ गया 0.36 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है अज्यूम एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बना रहा है, 10 डिग्री। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट मेक्स एन एंगल 45 टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये जो स्ट्रिंज है ना जिससे आप इसको उड़ा रहे हैं वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब यहाँ से भी हो सकता है, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर। हमने बेसिकली यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया हुआ है ना, ये एंगल यदि आप हॉरिजॉन्टल इसको मानेंगे तब भी ये और ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये भी हॉरिजॉन्टल ही है। ओके, व्हेन द विंड इज़ फ्लोइंग एट एन स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो यू की वेलोसिटी दी है 40 किलोमीटर पर आवर। अब आप क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे किसके टर्म्स में, मीटर पर सेकेंड। तो 40 किलोमीटर मतलब 40 × 1000 मीटर हो गया, किलोमीटर पर आर, आर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो यहाँ से ये 40 × 1000 / 3600, तो ये आ गया आपका 11.11, यू आ गया 11.11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइंड द करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग एंड लिफ्ट। डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है, रो दिया हुआ है इसमें 1.25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बेसिकली यहाँ पे यदि आप देखेंगे ये काइट है ना, ये इतना एंगल बना रहा है और यहाँ पे ये टेंशन लग रहा है इस स्ट्रिंग में। ठीक है, तो इसकी टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, प्लस ये जो वेट है ना, वेट कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसका वेट दिया हुआ है, वेट कितना दिया है, 2.943, और स्ट्रिंग में टेंशन दिया हुआ है ना, पुल दिया हुआ है कितना है, ये टी के वैल्यू दी हुई है आपको 2.943 न्यूटन। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो हम इसको वो करें है ना, इसके कंपोनेंट निकालें, तो बेसिकली ये ड्रैग कंपोनेंट है, एयर इस तरह से चल रहा है तो ये ड्रैग है ना, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लिफ्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो इसके दो कंपोनेंट होंगे है ना, इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा ये, इसका एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा, और इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा है ना। आपको रिजॉल्व करना आता होगा फोर्सेस, जैसे ये है मान लीजिए एफ यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये एफ कॉस थीटा हो जाता है आपका, और ये एफ साइन थीटा होता है ना, ये सब मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो यदि हम फोर्सेस को रिजॉल्व करें अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, तो रिजॉल्व फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग, तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे एक्स एक्सिस का लॉन्ग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा टी है ना, और ये इसके साथ ये कंपोनेंट है, तो ये हो जाएगा टी कॉस 45। ठीक है, और ये कंपोनेंट बेसिकली किसके बराबर होगा, ड्रैग फोर्स के बराबर होगा है ना, क्योंकि यहाँ पे ड्रैग फोर्स लग रहा है। ऐसे ही यदि हम यहाँ पर बात करें तो इसके वर्टिकल रिजॉल्व करें, रिजॉल्व फोर्सेस अलोंग बाई डायरेक्शन या बोल सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये W है एक है ना, प्लस इसका एक कंपोनेंट इधर एक्ट करेगा, इसका एक कंपोनेंट इस तरह से एक्ट करेगा, इसका एक कंपोनेंट इस तरह से एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट होगा ये बेसिकली कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ये T cos 45 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, T sin 45। ठीक है, तो W प्लस T sin 45 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपके इक्वल हो जाएगा एफ एल के, लिफ्ट फोर्स के, एफ डी का ड्राइव फोर्स, एफ एल का लिफ्ट फोर्स। अब वैल्यू पुट अप कर देते हैं, टी की वैल्यू आपको दी हुई है, टी कितना दिया, मैं इसको सॉल्व करता हूँ पहले, तो टी कितना दिया, 29.43 ना कॉस 45 इक्वल्स क्या हो जाएगा, ड्रैग फोर्स। ठीक, तो ड्रैग फोर्स को हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, 29.43 कॉस या इंटू कॉस 45, तो ये आ गया आपका 20.81 इक्वल्स एफ डी आ गया ड्रैग फोर्स। और ड्रैग फोर्स निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है क्या, सी डी कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग मल्टीप्लाइड बाई एरिया इंटू रो यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो सीधा वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आई है, एफ डी की वैल्यू 20.81 है इक्वल्स सी डी आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग
मल्टीप्लाइड बाई एरिया, और एरिया हमने अभी निकाला है, एरिया की वैल्यू कितनी है 0.36, तो ये हो जाएगा 0.36 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी वैल्यू दी है 1.25, यू की वैल्यू निकाली हमने 11.11 मीटर पर सेकेंड में निकाला ना, मीटर पर सेकेंड को क्यों चेंज किया है, क्योंकि हम सारी यूनिट किस में लेके चल रहे हैं, ऐसा यूनिट अपॉन टू। इसको फर्दर मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो 20.8 इक्वल्स क्या आ जाएगा, इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, 0.36 इंटू 1.25 इंटू 11.11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 आ गया, तो ये आ गया आपका 27.77 इंटू सी डी, है ना, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, तो सी डी आ जाएगा आपका 20.8 अपॉन 27.77, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 20.8 डिवाइडेड बाई आंसर, तो ये सी डी की कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग आ गया आपका 0.7489, ठीक है, तो आपकी कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हमको निकालना कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट निकाले कि हम ये सॉल्व करेंगे पहले, तो डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है, डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 2.943 प्लस टी कितना है 29.43 साइन 45 इक्वल्स एफ एल है ना, एफ एल है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सबसे पहले इसको सॉल्व किया 29.43 इंटू साइन 45, इसकी वैल्यू 20.8 आ गया, तो 2.943 प्लस 20.8, ठीक है, इक्वल्स एफ एल, तो यहाँ से एफ एल इक्वल्स क्या आ गया, लिफ्ट फोर्स प्लस ये 20.8 प्लस 2.943, तो ये आ गया 23.75, ठीक है, ये ले लिया, ये लिफ्ट फोर्स आ गया। अब तो इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट निकालेंगे, क्योंकि एफ एल क्या होता है, एफ एल भी बराबर क्या होता है, सी एल कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट इंटू ए रो यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है, वैल्यू पुट अप करते हैं, तो 23.75 इक्वल्स सी एल, एरिया कितना 0.36 इंटू ये कितना 1.25, और मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं, तो 23.75 इक्वल्स सी एल निकालना है आपको इंटू एरिया की वैल्यू 0.36 इंटू डेंसिटी की वैल्यू 1.25 और यू की वैल्यू 11.11 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो 0.36 मल्टीप्लाइड बाई 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 11.11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ओके, तो इसमें हमने सॉल्व किया, तो आपकी ये वैल्यू आ रही है 23.75 इक्वल्स 27.77 सी एल, तो यहाँ से सी एल की वैल्यू आ जाएगी 23.75 डिवाइडेड बाई ये, तो 23.75 डिवाइडेड बाई आंसर, तो सी एल आ गया, कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट आ गया 0.85, ठीक है, तो दोनों वैल्यू आपकी निकल। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, है ना, ये दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, एयर फ्लोइंग ओवर अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 100 mm, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या दिया हुआ है, डायमीटर आपको दिया हुआ है कितना 100 mm, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ d इक्वल्स 100 mm, लेंथ दिया हुआ है इनफाइनाइट, ठीक है, विथ अ वेलोसिटी, वेलोसिटी u दिया हुआ है आपको 150 mm पर सेकेंड, ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करना चाहें तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0.15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फाइंड द टोटल ड्रैग, शीयर ड्रैग, प्रेशर ड्रैग, है ना, और इसमें 1 मीटर लेंथ फाइंड आउट करना है, कितना लेंथ है 1 मीटर में। अब इसमें दिया हुआ है आपका टोटल ड्रैग कोफिशिएंट 1.5, शीयर ड्रैग कोफिशिएंट 0.25 और वैल्यू दी हुई है, तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, टोटल ड्रैग क्या होता है, टोटल ड्रैग इक्वल्स होता है आपका शीयर ड्रैग प्लस प्रेशर ड्रैग, ठीक है, तो हम सबसे पहले यदि हम टोटल ड्रैग की बात करें, यहाँ पर कोफिशिएंट दिया हुआ है टोटल ड्रैग का, टोटल ड्रैग का कोफिशिएंट कितना दिया 1.5, तो टोटल ड्रैग इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सी डी टोटल इंटू ए टू रो यू स्क्वायर बाई
टू। अब इसमें एरिया भी निकालना है, ठीक है। तो सर्कुलर एरिया बेसिकली कैसा होगा, सर्कल वाला होगा। तो हम निकाल लेते हैं सी डी डी की वैल्यू 1.5, एरिया क्या हो जाएगा पाई फोर डी स्क्वायर, पाई फोर और डी, ये 100 mm है, इसका मतलब ये मीटर में 0.1 मीटर। तो 0.1 का स्क्वायर इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 1.25, ये दिए 1.25 इंटू स्पीड वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 0.15 का स्क्वायर बाई टू। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से टोटल ड्रैग निकल आएगा। तो टोटल ड्रैग इक्वल्स आ जाएगा शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई 0.1 का स्क्वायर इंटू 1.5 इंटू 1.25, ठीक है, इंटू 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1.8407 इंटू 10^-3, और ऑब्वियसली इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन आएगी। एक बार कैलकुलेशन दोबारा से चेक करते हैं, तो 1.5 इंटू शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 0.1 का स्क्वायर से, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 का स्क्वायर से, फिर हम डिवाइड कर देंगे इसको 2 से। ये आ रहा है 1.65, मैं इसको थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ, 1.65669 × 10^-4 न्यूटन, ठीक है, ये आपका टोटल ड्रैग आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसमें टोटल ड्रैग कोएफिशिएंट, शियर ड्रैग, ठीक है। तो शियर ड्रैग भी इसी तरह से निकालते हैं, तो शियर ड्रैग इक्वल्स क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ शियर ड्रैग फोर्स है ना, कोएफिशिएंट ऑफ शियर ड्रैग इंटू ए इंटू रो यू स्क्वायर बाई टू। तो सी डी इसमें दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी दी है 0.25 टू एरिया, एरिया हमने अभी निकाला था पाई फोर डी स्क्वायर से, तो पाई फोर डी की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर इंटू रो 1.25 टू यू की वैल्यू 0.15 का स्क्वायर बाई टू। तो निकाल लेते हैं इसको भी, तो ये आ जाएगा 0.25, ठीक है, मल्टीप्लाई शिफ्ट पाई से, फिर इसको डिवाइड कर दिया 4 से, फिर मल्टीप्लाई किया 0.1 के स्क्वायर से, फिर मल्टीप्लाई किया आपने 1.25 से, फिर मल्टीप्लाई किया 0.15 का स्क्वायर से, फिर डिवाइड कर दिया आपने 2 से, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया आपके 2.76116 × 10^-5, ये आ गया, ओके, ठीक है। तो यहाँ से आपका वो निकल आएगा प्रेशर ड्रैग, ठीक है, टोटल ये हमने फाइंड आउट कर लिया टोटल ड्रैग क्या है, शियर ड्रैग क्या है, तो प्रेशर ड्रैग, तो प्रेशर ड्रैग इक्वल्स क्या आ जाएगा, ड्रैग इक्वल्स आ जाएगा टोटल ड्रैग माइनस शियर ड्रैग, ठीक है। तो टोटल ड्रैग की वैल्यू अभी हमने निकाला था 1.65666 9 × 10^-4 2.76116 × 10^-5। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वैल्यू है आपके पास ऑलरेडी, ठीक है, तो हम लिखते हैं 1.65669 × 10^-4, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, आंसर की वैल्यू है, आप ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको 1.65669 × 10^-4, ओके, ब्रैकेट माइनस आंसर। तो ये आ गया आपका ड्राइव 1.38 × 10^-4 न्यूटन, ठीक है, इसको पॉइंट डेसिमल में भी आप निकाल सकते हैं प्रेशर ड्रैग। तो ये जो तीनों फाइंड आउट करने थे आपको, प्रेशर ड्रैग की वैल्यू निकल आई, ये आपका शियर ड्रैग की वैल्यू निकल आई, ठीक है, शियर ड्रैग, और ये टोटल ड्रैग की वैल्यू निकल आई आपका।